अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. मैं हूं सिद्रा इकबाल एंड ऑफ कोर्स जुमेरात है जी. तो अभी से लोग वीकेंड की तैयारियां कर रहे हैं. वैसे आपके लिए देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू टुमारो. हमने जिस तरह के आपको बहुत ही खूबसूरत और दिलकश गवादर स्टेडियम दिखाया था, गवादर क्रिकेट स्टेडियम, उसका होने वाला है बाकायदा इफ्तिताह कल, जहां हम देखेंगे कि सेलिब्रिटीज वर्सेस पॉलिटिशियंस का एक मैच भी होगा, जो आप बराह रास्त देख सकते हैं बाय द वे ऑन आज न्यूज. और हो सकता है हमारी पूरी टीम कल छूमंतर हो जाए और हम गवादर से आपको नजर आ रहे हो. लेकिन बहरहाल जी, दिस इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. और वाकई फॉर दिस पर्टिकुलर मैच आज नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव पार्टनर. तो देखना यह है कि इस खूबसूरत स्टेडियम में जब एक्चुअल क्रिकेट खेली जाएगी तो उन क्रिकेटर्स के लिए और इन टीम्स के लिए वो एक्सपीरियंस कैसा होगा, खास तौर पे क्योंकि ये सेलिब्रिटीज एंड पॉलिटिशियंस हैं. सो ग्रेट एक्साइटमेंट बिल्डिंग अप फॉर दैट. आगे बढ़ते हैं जी. एक और जगह बड़ी जो एक्साइटिंग डिवेलपमेंट हो रही है वो यकीनन हमारा, ये देखें जी ये क्या हुआ है, ऐसा हो जाता है कभी कभार. खैर जी, हम आपको बताते चलें कि मुझे हंसी आ रही है जो अभी हुआ. एनीवे, सेनेट के इलेक्शंस, उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट्स हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में, फिर इस पे बात करते हैं. सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाप्त. वकील इलेक्शन कमीशन ने मौकफ अपनाया, हर उम्मीदवार से बयान हल्फी लिया जाएगा, वोटों को खुफिया रखने का मतलब हमेशा खुफिया ही रहेंगे. जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा सियासी जमात की सेनेट में नशिस्तें सूबाई असम्बली की सीटों के मुताबिक होनी चाहिए. वोट फरोख करने से मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल की धज्जियां उड़ेंगी. कोई जमात तनासुब से हटकर निशस्तें जीत ले तो सिस्टम तबाह हो जाएगा. इलेक्शन कमीशन के पास इजाफी इख्तियारात हैं ताकि आइन खमियाजा ना भुगते. चीफ जस्टिस ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी तक इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सके. बात की गहराई समझें, पूरे मुल्क की किस्मत आपके हाथ में है, इलेक्शन कमीशन की वजह से हुकूमत बनती है. चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पिछले सेनेट इंतखाबात में पार्टी तनासुब से मुख्तलिफ नतीजे आए, इस पर अब तक क्या कार्रवाई की. चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने मौकफ पर कायम रहे कि आइन में तरमीम करना होगी. अदालत ने तीनों सूबों के एडवोकेट जनरल समेत दीगर फरीकीन से दलाइल तलब करते हुए समात मुलतवी कर दी. जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कि सेनेट के इंतखाबात में एक दफ़ा फिर जो देरीना तनाजात हैं, जो सवाल हैं, उनका कोई जवाब नहीं निकला. और चीफ जस्टिस ने बाकायदा इसका नोटिस लिया है. इलेक्शन कमीशन से सवालात हो रहे हैं, मामला किस तरफ जा रहा है कि एक दफ़ा फिर इलेक्शंस हो जाएंगे, और ये जो आईनी तरामीम की बात की जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से ताकि सेनेट का इलेक्शन मज़ीद शफाफ और इफेक्टिव बनाया जा सके, क्या वो फिर एक देरीना ख्वाब बन जाएगा. हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान, उनसे जानते हैं कि इस मामले का क्या हल निकलेगा. अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर वकास, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए. मेरा पहले आपसे सवाल ये होगा कि चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स हैं कि क्या कार्रवाई की गई. अगर हम देखते हैं पार्टी मुनासबत से तो पिछले सेनेट के इलेक्शंस का रिजल्ट बहुत ही हैरान कुन था. आप क्या समझते हैं इसमें क्या पेशरफ्त होनी चाहिए. देखिए, सबसे पहली डिबेट जो है वो ये है कि ओपन बैलेट के थ्रू या शो ऑफ हैंड के थ्रू, तो आर्टिकल 226 जो है उसके अंदर तरमीम करने की जरूरत है, जो ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के अलावा तमाम इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू करवाए जाएंगे. और अगर 226 को आप तब्दील करना चाहते हैं, यू वांट टू पुट इवन अ सिंगल कॉमा डॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यू नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. उसका प्रोसीजर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है, आर्टिकल 238 और 239 के अंदर, जो ये कहता है कि 2/3 मेजोरिटी से आप पार्लियामेंट के अंदर किसी भी आयन की शिक को अल्टर कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, या उसके अंदर कोई भी तब्दीली ला सकते हैं. दैट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट. लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, इनकी नेक नीति एक चीज से जाहिर होती है कि इन्होंने 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को प्रपोज किया, लेकिन चूंकि इनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे, 2/3 मेजोरिटी नहीं थी, तो इनको लॉ के अंदर एक्सेप्शनल वे लेना पड़ा. और आर्टिकल 89 के तहत इन्होंने एक ऑर्डिनेंस का इजरा किया, और उस ऑर्डिनेंस के अंदर आयन के आर्टिकल 226 को नहीं छेड़ा गया, बल्कि इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 के सेक्शन 122 के अंदर तरमीम की गई. और यही मैटर जो है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया कि अगर हम इलेक्शन कमीशन के एक्शन के अंदर तरमीम करते हैं तो क्या हम अपने सीक्रेट बैलेट पेपर को खत्म करके, जो कि आयन के अंदर 226 में लिखा है, तो क्या हम ओपन बैलेट पेपर से करवा सकते हैं अगर आयन के, अगर हम इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 के तहत करते हैं. क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत किया जाएगा तो फिर ऑर्डिनेंस इज सफिशियंट, और उसमें सादा अक्सरियत से किया जाता है, उसमें 2/3 मेजोरिटी नहीं है. और ये वो मैटर है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है. और सेकेंडली,
सुप्रीम कोर्ट इज द मोस्ट सुपीरियर कोर्ट इन पाकिस्तान, जिसका काम ना सिर्फ सूबों के मामलात को या वफाक के मामलात को देखना है, बट एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज ऑथोराइज टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक बड़ा मैटर है जो कि 1973 के वक्त से लेकर आज तक चल रहा है सीक्रेट बैलेट पेपर का, और इसमें बहुत सारी तशरीहात, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन और बहुत सारे रिमार्क सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने को मिलेंगे। मुतनासिब बैरिस्टर वकास से पूछना चाहूंगी कि ओपन बैलेटिंग को रिजिस्ट कौन कर रहा है, यानी तमाम अपोजिशन जमातें वक्तन फवक्तन हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम लगाती रही हैं, यू नो सेनेट के इलेक्शन पे अपने जो रिजर्वेशन हैं उनका इजहार करती रही हैं, लेकिन जब इसका एक हल मौजूद है और इनको तो सबको यकजबान होकर ये बात करनी चाहिए, इस वक्त रेजिस्टेंस कहां से आ रही है ओपन बैलेटिंग के लिए? सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से आ रही है। यही वो लोग थे जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत पहले ये लिख के दे चुके हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग को पाकिस्तान से खत्म करने के लिए, इसका कला कमा करने के लिए जो ओपन बैलेट पेपर राइज करना चाहते हैं। लेकिन जहां तक प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात है, जब ये इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, एट द सेम टाइम वीडियोज जो है मंदिर आम पे आ चुकी है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स को इसमें भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। देखिए, हमेशा ये बात की जाती है कि अदालतें सवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल इंटरपोज ना करें, और हमारा आईने पाकिस्तान भी ट्री कमेटी ऑफ पावर्स की इंश्योरेंस की बात करता है कि तीनों ऑर्गन हमारी पार्लियामेंट है, हमारी जुडिशियर एग्जेक्टिव है, इंडिपेंडेंटली काम करे और सेपरेशन ऑफ पावर के असूल पे काम करे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि जब पार्लियामेंट में इनके पास पूरा एक वक्त मौजूद है कि तमाम पार्टी जो पहले से इस चीज का ढंडोरा पीटती थी या राह गलपती थी कि हमें हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म करने के लिए सेनेट के इलेक्शंस को ओपन बैलेट पेपर्स के थ्रू करवाना चाहिए, लेकिन जब वक्त आया पीटीआई ने इसे प्रपोज किया 26 अमेंडमेंट, और यही लोग जो अपनी बातों से या अपने प्रीवियस स्टेटमेंट से भाग के, मैं ये समझता हूं कि अगर जो बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ चीजें मैं ऑब्जर्व करता हूं कि आर्टिकल 226 के अंदर अगर अमेंडमेंट लाई जाती है तो इससे ट्रांसपेरेंसी को की मेंटेनेंस होगी, और एट द सेम टाइम जो आर्टिकल 218 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये मतकाजी है कि आप फेयर फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं, तो इससे फेयर फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे। और जो मुतनासिब नुमाइंदगी, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन भी पूछा कि अगर सूबाई असेंबली में कोई शख्स सीट जीतता है तो उसकी बिना पे ही तो वो सेनेट में सीटें जीतता है, लेकिन यहाँ पे बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि वहां पे जो सीटें जीती जाती हैं उनमें से बहुत सारे लोगों के जमीर खरीद लिए जाते हैं और जमीर फरोशी की जाती है। और मैं अक्सर ये इससे पहले भी आपने देखा कि ये 2018 की वीडियो तो मंजर आम पे आई, लेकिन इससे पहले भी पाकिस्तान के सेनेट के अंदर जमीन अच्छा, मुझे थोड़ा सा आपसे सवाल, बिल्कुल सही कह रहे हैं वकास, मुझे एक छोटा सा सवाल करना है बिफोर आई गो टू द ब्रेक। हम जो सूबाई सेनेट के इलेक्शन है उसके बारे में अगर बात करें, क्या ये मरहलावार ओपन बैलेटिंग की तरफ जा सकते हैं, यानी अगर ये कहा जाए कि क्या कोई तरमीम करके पहले जो सूबाई लेवल पे इलेक्शन है क्या उनको हम ओपन बैलेट एंड ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं ताकि फिर मजीद प्रेशर बने इस चीज को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए? देखिए सिद्रा, पाकिस्तान में सेनेट के एक ही इंतहाबात, और ये इंतहाबात में जो सेनेटर्स का चुनाव हमारी सूबाई असेंबली करती है, ये मरहलाबाद नहीं होते। हर 3 साल के बाद हाफ ऑफ दी मेंबर्स के इलेक्शंस होते हैं, और फिर उसके 3 साल बाद फिर फर्दर जो मेंबर्स हैं जिनकी 6 साल की मुद्दत पूरी होती है उनके इलेक्शंस होते हैं, लिहाजा ये एक ही दफा इलेक्शन शेड्यूल होते हैं, और इस वक्त इलेक्शन शेड्यूल हो चुका है। ऑर्डिनेंस का इजरा भी इसलिए किया गया कि अगर ऑर्डिनेंस का इजरा ना किया जाता और इलेक्शन शेड्यूल हो जाते तो शेड्यूल होने के बाद कोई नया एक्ट, कोई नई अमेंडमेंट या कोई नया लॉ प्रपोज नहीं किया जा सकता, लिहाजा उजलत के अंदर जो ऑर्डिनेंस पेश करने का या बनाने का पर्पज ही ये था कि सीक्रेट बैलेट पेपर को खत्म किया जाए और ओपन बैलेट पेपर की। लेकिन बैरिस्टर वकास, ये फिर डिस्कोर्स हम इलेक्शन से इतने करीब ही देख रहे हैं, यानी ये सारी गुफ्तगू मेरे ख्याल में जनवरी दिसंबर से शुरू हुई है, जब चंद माह या चंद हफ्ते रह जाते हैं, 3 मार्च को इलेक्शन है, क्या हम पूरा साल इसके ऊपर बैठे रहते हैं, सोच विचार करते रहते हैं? डू यू नॉट फील दैट वी आर स्टिल डिलेड? Sidra, you are absolutely right. You have absolutely put the nail on the head, and this is a very debatable topic. के आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक्सटेंशन की बात करें, आप दीगर मामला की बात करें, आप क्यों उजलत में ये सारी चीजें करते हैं?
क्यों फ्रोशियस एक्शन लेते हैं? आपके पास जब एक अप्रोप्रिएट वक्त था, टाइम था, तो आपने 3 या 4 महीने पहले क्यों इस पे वक्त पर इस पे वर्क ना किया? आप पॉलिटिकल अपोनेंट्स को इत्मीनान पे ना लिया, चूंकि ये ना सिर्फ पीटीआई का मसला है बल्कि जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स है उनकी पार्टी में से भी जमीर बिकते हैं, लोग बिकते हैं, वोट बिकते हैं, और ये एक बड़ी बदतरीन और अनफॉर्चुनेट ट्रेडिशन है पाकिस्तान के सेनेट के इंतखाबात में, जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नजर आती है। पूरी दुनिया ने इसके ऊपर अपना एक प्रॉपर मैकेनिज्म और सिस्टम डेवलप कर लिया, यूएसए ने कर लिया है, यूके ने कर लिया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि यहाँ पे 50 करोड़ रुपया लगा के सेनेटर बना जाता है। हम इनसे तवक्को करते हैं कि 50 करोड़ लगा के ये अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार होकर ये मैदान सियासत में आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वकास वंस अगेन फॉर अपीलिंग टू द बेटर सेंस के आपने एक दफा फिर जमीर को आवाज दी है लोगों की कि बड़ा अहम है इन मामलों का हल निकालना। क्यों हम अपने आप को इतना कमतर समझते हैं कि दुनिया का हर मुल्क अगर इसके लिए बेहतर कानून साजी, इसकी इफेक्टिवनेस, इसकी शफाफियत के लिए काम कर सकता है, तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।